नमस्कार, टीवी 100 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हाजिर शुभम सोनी। राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण के साथ साथ अब जल प्रदूषण भी अपने पैर फैलाता जा रहा है। जी हां, यमुना नदी में सफेद झाग के बाद से लोगों के जीवन में प्रदूषण का खतरा कम होने का नाम नहीं ले रहा है। पहले नहीं, इससे पहले भी कई वर्षों इस तरह के हालात देखे गए हैं, लेकिन अब तक किसी भी तरह से इस पर प्रतिबंध लगाने में सरकारें नाकाम रही हैं। हालांकि प्रयास इस बार किए जा रहे हैं और ये आश्वासन दिया जा रहा है कि व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाएगा। वहीं त्योहारों का मौसम है, दिवाली नजदीक है, लेकिन इस बीच में जिस तरह की कार्यशैली देखी जा रही है वो किस तरह का माहौल बनाती है, चलिए आपको इस रिपोर्ट एंकर्स के माध्यम से दिखाते हैं हर एक मुद्दे की पहल के साथ। देश भर में उद्योगों और औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाला कचरा जल प्रदूषण का कारण बना हुआ है, जिसकी चपेट में राजधानी दिल्ली भी देखी जा रही है। औद्योगिक कचरा जल प्रदूषण का एक प्रमुख कारण। राजधानी दिल्ली यमुना जल प्रदूषण की चपेट में। राजधानी में यमुना नदी में सफेद झाग आने की वजह से जल प्रदूषण का खतरा पनपने लगा है, जिससे दिल्ली वासियों को एक और संकट का सामना करना बेहद मुश्किल हो रहा है। औद्योगिक स्थल से निकलने वाला औद्योगिक कचरा जल प्रदूषण का एक प्रमुख कारण यमुना के प्रदूषण में शामिल है। हालांकि कई औद्योगिक स्थलों पर नियंत्रण किया जाता है, लेकिन अन्य में अभी भी पर्याप्त अवशिष्ट प्रबंधन प्रणाली का अभाव है और हानिकारक रसायनों और संदूषकों के रूप में अवशिष्ट उत्पन्न होता है। पवित्र यमुना नदी के अंदर बढ़ते हुए सफेद झाग के चलते प्रदूषण के क्या कुछ वजह हो सकती है और इससे दिल्ली वालों को क्या कुछ परेशानियां हो सकती है, क्या कुछ परेशानी बन सकती है, आइए इस पर चर्चा करें। प्रदूषण की समस्या के पीछे कई वजह शामिल। दिल्ली वालों के लिए आफत बना प्रदूषण। यमुना में झाग बनने के पीछे कई कारण हैं। इनमें से प्रमुख कारण बैराज के कैचमेंट एरिया में जलकुंभी का मौजूद होना भी हो सकता है, जो कि सफेद कैंट नामक रासायनिक पदार्थ को छोड़ता है, जिससे कि झाग भी बनता है। और इसके अतिरिक्त ठहराए नालों से आने वाला सीवेज, इसमें गंदा पानी और अन्य अवशिष्ट शामिल होते हैं। बिना किसी ट्रीटमेंट के सीधे यमुना नदी में यह पानी छोड़ा जाता है। यह सीवेज जल के प्रदूषित होने का भी एक बड़ा कारण है, जो कि झाग बनाने में योगदान करता है। अनुमान लगाया जा रहा है यमुना नदी के सफेद झाग का यह भी कारण हो सकता है। तेजी से हो रहे शहरीकरण और जनसंख्या वृद्धि के कारण, औद्योगिकीकरण के कारण आसपास के जल निकायों में भारी धातु प्रदूषण का खतरा बढ़ रहा है। खामियाजा अब जनता को भुगतना पड़ रहा है। औद्योगिकरण से धातु प्रदूषण का बड़ा खतरा। आम आदमी को भुगतना पड़ रहा है खामियाजा। यमुना नदी गंगा नदी की दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी और भारत की सबसे लंबी सहायक नदी है। यह उत्तराखंड में यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है और 7 राज्यों से होकर बहती है और उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में संगम पर गंगा नदी में मिल जाती है। बहुत पहले यमुना का पानी एकदम नीला हुआ करता था, लेकिन आज यमुना को दुनिया की सबसे ज्यादा प्रदूषित नदियों में से माना जाता है। भारत की राजधानी नई दिल्ली के पास यमुना नदी सबसे ज्यादा प्रदूषित है, जहां लगभग 58% कचरा नदी में डाला जाता है, जो कि सबसे अधिक प्रदूषण वजीराबाद से ही आता है, जहां से यमुना नदी दिल्ली में प्रवेश करती है, जो कि लोगों के जीवन पर खासा प्रभावित कर रही है, क्योंकि वर्तमान स्थितियां यमुना नदी के सफेद झाग को लेकर सुर्खियों में है। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति गंभीर होती जा रही है। यमुना नदी की सतह पर झाग की परत भी देखी जा रही है, जिससे स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां और ज्यादा बढ़ गई हैं। लोग हैरान हैं, लोग परेशान हैं, और ये पहली बार भी नहीं है। इससे पहले भी हर साल सर्दियों से पहले दिल्ली का वातावरण ऐसा ही हो जाता है, लेकिन सवाल ये है कि कैसे सुनिश्चित किया जा सकता है उन तमाम लोगों की स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं का। सरकार भी लगातार प्रयासरत है, लेकिन कैसे होगा समाधान, यह है सबसे बड़ा सवाल। जहरीली झाग की परत से पर्यावरण और स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं बढ़ गई हैं। अधिकारियों के लिए चुनौती बनता जा रहा यमुना नदी का प्रदूषण।
ऐसे में विशेषज्ञों का मानना है कि यमुना में गिरने वाले औद्योगिक कचरे और सीवेज की वजह से झाग का निर्माण हो रहा है, जो न केवल पर्यावरण के लिए बल्कि लोगों के स्वास्थ्य के लिए भी बेहद खतरनाक है। हर साल ठंड के मौसम में यमुना में इस तरह का झाग देखने को मिलता है, जो कि प्रदूषण की स्थिति को स्पष्ट करता है। अधिकारियों के लिए चुनौती यह बनता जा रहा है और इसके साथ ही दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी कि AQI भी लगातार खराब से बेहद खराब स्थिति में दर्ज किया जा रहा है। दिल्ली में वायु प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली सरकार और दिल्ली नगर निगम ने युद्ध स्तर पर काम करना शुरू कर दिया है। अभी हाल ही में 372 सर्विलांस टीमों का गठन किया है, जिसने पूरे शहर में निगरानी करना भी शुरू कर दिया है। प्रदूषण से मुक्ति दिलाने सरकार उठा रही युद्ध स्तर के कदम। प्रदूषण से निजात दिलाने के लिए सरकार कर रही उपाय। प्रदूषण के स्तर की निगरानी करते हुए दिल्ली सरकार प्रदूषण खत्म करने के लिए प्रयासरत है। इसके साथ ही 57,000 कर्मचारी निरंतर दिल्ली की सड़कों की सफाई में जुटे हैं। दिल्ली सरकार ने प्रदूषण नियंत्रण के लिए कई योजनाएं बनाई हैं, जिनमें से सड़क पर धूल और कचरे को हटाने के लिए विशेष मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त वायु गुणवत्ता को सुधारने की दिशा में हॉटस्पॉट क्षेत्रों में जल छिड़काव की प्रक्रिया भी तेज की गई है। सरकार ने सभी निर्माण स्थलों पर धूल नियंत्रण के उपायों को लागू करने की दिशा में निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही नागरिकों को प्रदूषण के प्रभावों के बारे में जागरूक करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। दिल्ली में इस बढ़ते हुए प्रदूषण पर दिल्ली की मेयर डॉक्टर शैली ओबेरॉय ने TV100 से खास बातचीत की। दिल्ली की हवाओं में प्रदूषण का मात्रा जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं अगर बात कर लिया जाए तो दिल्ली के अंदर जो है पानियों में भी प्रदूषण जो है पूरी तरीके से दिखाई दे रहा है। चाहे अगर बात कर लिया जाए यमुना नदी की, तो यमुना नदी एक तरफ जहाँ है पूरी तरीके से काला पड़ा हुआ है, तो दूसरी तरफ जो है सफ़ेद झाग की तरह यमुना नदी दिखाई दे रहा है। अगर वहीं पिछले दिनों जो है कालिंदी कुंज बैराज जो है वहाँ पूरी तरीके से जो यमुना की जो पानी है, पानी के ऊपर सतह पर जो है सफ़ेद जो है झाग की तरह बहता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं दिल्ली सरकार लगातार ये दावा ठोकती दिखाई दे रही है कि दिल्ली का यमुना जो है पूरी तरीके से साफ कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक यमुना जो है दो तरीके के दिखाई दे रहा, पूरी तरीके से प्रदूषण है उसमें। एक तरफ जो है सफ़ेद झाग बना हुआ है, तो दूसरी तरफ जो है यमुना पूरी तरीके से काला जो है पड़ा हुआ है। वहीं देखा जाए तो कई त्यौहार भी आ रहे हैं, छठ पूजा का त्यौहार भी आ रहा है, लेकिन उसको देखते हुए भी अभी तक यमुना की सफाई पूरी तरीके से नहीं हो पाई। और वहीं अगर दूसरी तरफ बात कर लिया जाए तो लगातार जो है इंजीनियर को लगाया गया है कि यमुना नदी जो है पूरी तरीके से कुछ ही समय के अंदर जो है जो झाग बना हुआ उसको साफ कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक साफ जो है यमुना दिखाई नहीं दे रही है। अब देखने वाली बात होगी कि आखिरकार यमुना की सफाई और जो झाग है कब तक जो है खत्म होगा। अवनीश तिवारी, TV100 दिल्ली। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यमुना को साफ करने के लिए 2025 तक का लक्ष्य रखा है और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक प्रकोष्ठ टीम का गठन भी किया है, लेकिन अब ये सफाई करने में 2025 तक का टारगेट पूरा करने में कितनी आम आदमी पार्टी सफल होती है ये देखना बड़ा अहम है। अरविंद केजरीवाल ने 2025 तक यमुना नदी को साफ करने का लक्ष्य रखा है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स की कार्य क्षमता में सुधार करना बेहद आवश्यक। दिल्ली में यमुना नदी में मौजूद जहरीले झाग की सफेद चादर वर्तमान में एक गंभीर विषय बनी हुई है। सैटेलाइट इमेजरी में भी यह दृश्य कैद हो चुका है, जिसमें दक्षिण पूर्वी दिल्ली के ओखला इलाके के पास यमुना में झाग बहता हुआ नजर आता है। बैराज के इन इलाकों में झाग लगभग 3 किलोमीटर तक फैला हुआ दिखाई देता है। सोशल मीडिया पर भी इस घटना के वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिनमें ऐसा प्रतीत होता है जैसे नदी का बड़ा हिस्सा पानी के ऊपर बादलों जैसा दिख रहा हो। एक्सपर्ट्स का भी मानना है कि इस स्थिति को सुधारने की दिशा में उन्नत तकनीकों का उपयोग बेहद आवश्यक है। वे सुझाव देते हैं कि औद्योगिक अपशिष्ट और जलकुंभी के प्रभाव को नियंत्रित करने के साथ साथ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स की कार्य क्षमता में सुधार करना जरूरी है। इसके अलावा सार्वजनिक भागीदारी और जागरूकता कार्यक्रम भी इस दिशा में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इन सभी प्रयासों के माध्यम से यमुना की स्वच्छता और स्वास्थ्य को बहाल किया जा रहा है। दिल्ली ना सिर्फ वायु प्रदूषण की मार झेल रही है, बल्कि जल प्रदूषण से भी दिल्ली त्रस्त है। यमुना की हालात भयावह हो गई है, बद से बदतर हो गई है। यमुना की पानियों में झाग दिख रहे हैं।
ऐसा प्रतीत होता है कि यमुना पूरी तरीके से फोगी हो गई है या आप किसी माउंटेनियस रीजन में आ गए हैं, लेकिन सच ये है कि ये दिल्ली की यमुना है। ना सिर्फ दिल्ली बल्कि देश के कई हिस्सों में वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण की समस्या भी देखने को मिल रही है। ऐसे में छठ भी है और दिल्ली में बड़ी तादाद में बिहारवासी, पूर्वांचलवासी अपना महापर्व छठ मनाते हैं। इस वजह से में देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि क्या यमुना की सफाई कितनी ज्यादा कर पाती है दिल्ली सरकार छठ से पहले, और जल प्रदूषण से दिल्ली को कितनी निजात मिल सकती है। दिल्ली से प्रेम कश्यप की रिपोर्ट। बढ़ते प्रदूषण को लेकर हाल ही में काफी ज्यादा चर्चा हुई, इसके साथ ही जल प्रदूषण ने भी अपने पैर अब गाजियाबाद तक फैलाने शुरू कर दिए हैं। वहीं दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के संदर्भ में अक्टूबर और नवंबर महीनों में यमुना के पानी में झाग की परत देखने को मिली, जो कि काफी ज्यादा गंभीर स्थिति को दर्शाता है। दिल्ली के नागरिकों की प्रतिक्रिया सामने आई। सरकार के दावों के बावजूद यमुना की स्थिति में सुधार नहीं। दिल्ली वासियों में बढ़ती हुई यमुना के प्रदूषण से बेहद परेशानी उन्हें होने लगी है। वहीं गाजियाबाद में भी प्रदूषण का यह स्तर लगातार अपने पैर पसार रहा है। इसके साथ ही नागरिकों की प्रतिक्रिया भी इस पूरे संदर्भ में सामने आ रही है। जानकारी देते हुए हमारे संवाददाता गाजियाबाद से वैभव शर्मा ने जानकारी उपलब्ध कराई। वहीं सरकार के दावों के बावजूद यमुना की स्थिति में भी सुधार नजर नहीं आ रहा है। लोगों ने यह भी कहा है कि इस समस्या को राजनीतिक बयानों के बजाय कार्यान्वयन की बेहद आवश्यकता है। वही यमुना के इस प्रदूषण को वास्तविक में रोका जा सके, साथ ही इसके अलावा गाजियाबाद की जो स्थिति है, किस तरह का जल प्रदूषण है, वाटर पॉल्यूशन को लेकर के खास चर्चा की है। देखिए, गाजियाबाद से सटे दिल्ली में वाटर पॉल्यूशन का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। यमुना नदी में झाग की पूरी सफेद चादर उड़ चुकी है। दिल्ली की स्थिति खराब होने के बाद गाजियाबाद में भी प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। गाजियाबाद में हिंडन नदी को लेकर तमाम व्यवस्था की जा रही है, जिससे वाटर पोल्यूशन को रोका जा सके। इसके अलावा गाजियाबाद के अन्य एरियाओं में भी इंडस्ट्रियल एरिया में लोगों को जागरूक किया जा रहा है, जिससे इंडस्ट्रियल से निकलने वाले केमिकल डायरेक्ट जमीन में ना जाए, जिससे वाटर पोल्यूशन के साथ साथ भूगर्भ की जो स्थिति है जल की, वो भी खराब ना हो। इसको लेकर तमाम कवायदें गाजियाबाद में चल रही है। गाजियाबाद प्रशासन लगातार तमाम बैठकें कर रहा है, जिससे इस वाटर पोल्यूशन को रोका जा सके। हिंडन नदी में जाने वाले कूड़े को भी रोकने का काम इस समय गाजियाबाद प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। हिंडन नदी से जितने भी नाले हैं वहां पर जाली लगाने का काम किया जा रहा है, जिससे कोई भी कूड़ा नाले के माध्यम से हिंडन नदी में ना जाए। वाटर पोल्यूशन की स्थिति को देखते हुए गाजियाबाद प्रशासन इस समय अलर्ट मोड पर है और पूरी यही कोशिश कर रहा है कि इस वाटर पोल्यूशन को कैसे भी करके गाजियाबाद में रोका जा सके। गाजियाबाद से वैभव शर्मा, टीवी 100 न्यूज। हाल के वर्षों में यमुना में प्रदूषण एक गंभीर समस्या बन गया है, खासकर सर्दियों में जब झाग का पानी इस वक्त दिखाई देने लगता है। ऐसे में सुरक्षा के लिहाज से डॉक्टरों और विशेषज्ञों ने कुछ एडवाइजरी दी है। क्या कुछ कर? आइए आपको सुनाते हैं। प्रदूषण से गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। यमुना का पानी पीने और स्नान करने के लिए सुरक्षित नहीं। प्रदूषित पानी से प्रभावित लोग, विशेषकर बच्चे और वृद्ध, नियमित स्वास्थ्य जांच कराएं। प्रदूषण से गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है, विशेषकर सर्दियों में जब नदी पर सफेद झाग दिखाई देता है। यह झाग मुख्यतः सीवेज और औद्योगिक अवशिष्टों के कारण भी बनता है, जिससे पानी की गुणवत्ता काफी गंभीर रूप से प्रभावित होती है और इससे त्वचा संक्रमण, श्वसन रोग और पेट की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। ऐसी स्थिति में कैसे जल प्रदूषण से आप सुरक्षित रह सकते हैं, बात की है डॉक्टर शिव शंकर त्रिपाठी ने, खास चर्चा टीवेंडेड के साथ, सुनिए। पोल्यूशन का लेवल बढ़ रहा है, एयर पोल्यूशन बढ़ रहा है, उसकी वजह से AQI बढ़ रहा है। ना सिर्फ एयर पोल्यूशन, यमुना में भी प्रदूषण पिछले कुछ दिनों से बढ़ता हुआ सबको नजर आ रहा है। जिस तरह से कालिंदी कुंज पे झाग बन रही है, ये साफ प्रमाण है कि प्रदूषण का स्तर यमुना में बढ़ रहा है। आज मैं सभी दिल्ली वालों को बताना चाहूंगी कि दिल्ली की हवा में प्रदूषण बढ़ने का, दिल्ली के पानी में प्रदूषण बढ़ने का असली कारण है
भारतीय जनता पार्टी की गंदी राजनीति। कितने बेशरम और निर्लज्ज लोग हैं ये आम आदमी पार्टी वाले। 3,000 करोड़ रुपया जो केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार को दिया है सिर्फ यमुना की सफाई में, 1,000 करोड़ जो कि पॉल्यूशन सेस है, उसका हिसाब किताब और उसका ऑडिट अभी तक नहीं हुआ है। यहां तक कि वीरेंद्र सचदेवा जी जो दिल्ली भाजपा इकाई के प्रमुख हैं, उन्होंने जहरीली उस पानी में डुबकी लगाई है प्रोटेस्ट करने के लिए कि आंखें अब तक खोलो, और सिंहासन लगे हैं सुल्तान साहब के लिए, महारानी साहिबा के लिए, आइए देखिए क्या हाल है, लेकिन अभी तक इनकी आंखें नहीं खुली हैं। दिल्ली में जल प्रदूषण के बढ़ने के साथ साथ राजनीतिक माहौल भी काफी ज्यादा गर्माया हुआ है। पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर लगातार पलटवार कर रहे हैं। इसी को लेकर आपको सुनवाते हैं कि आखिर प्रदूषण के मामले को लेकर क्या कुछ कहना है राजनेताओं का। 8,500 करोड़ रुपया यमुना की सफाई पर दिल्ली सरकार खर्च कर चुकी है, और आज भी 12 बार हर साल झूठ बोलने के बाद भी अगली बार केजरीवाल कहते हैं हम साथ साथ गोता लगाएंगे। छठ पूजा के समय पर किस प्रकार से पूर्वांचल के लोगों को बीमार होना पड़ता है, परेशान रहती है, उसके लिए विरोध में खाली प्रेस वार्ता करना, अपने काम को दाएं बाएं राज्यों पे टालना, और उसके बाद में ओड इवन खेल खेल लेंगे और 2-3 महीने में ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, फिर उसका श्रेय लेने चल देंगे। हर समस्या का निदान यही है, इनका टालना और प्रेस वार्ता करना। मैं आके देख रहा था कि शायद दिल्ली वालों को नीला आसमान दिख जाए, पर यहाँ तो इंडिया गेट भी नहीं दिख रहा, इतना स्मोग है यहाँ पर। कारण और ये तब है जब हम अभी 9 बज चुके हैं, सूरज निकल रहा है, तब ये स्थिति है। दिल्ली बद से बदतर हो चुकी है अरविंद केजरीवाल तुम्हारे शासन में। पिछले 10 सालों में तुमने पॉल्यूशन से लड़ने की कोई कोशिश की ही नहीं। दिल्ली वालों को आज हर 10 में से 3 आदमी या तो खांस रहा है, या नाक से पानी बह रहा है, या गले में कराश है, या कफ है, या सांस लेने में तकलीफ है। हमारे सीनियर सिटीजन, बच्चों, सबको इस तरह की बीमारियां हैं। कारण PM 2.5, इतना महीन ये कण है धूल का जो दिखाई भी नहीं देता। तो ये आपने वो तस्वीरें देखी हैं कि राजधानी दिल्ली में रहवासियों के लिए बड़ा संकट फिलहाल यमुना के नदी में, जिस तरह से सफेद झाग का देखा जा रहा है वो आम जनमानस के जीवन पर असर डाल रहा है। हालांकि सरकारें निरंतर कार्यरत है ऐसा कहना है, आश्वासन निरंतर दिया जा रहा है, लेकिन पूर्ण तरह से अब तक काबू नहीं पाया गया है। लेकिन दिलचस्प यह होगा कि आखिरकार वो वक्त कब आएगा जब लोगों को एक बार फिर स्वच्छ पानी की सौगात मिलेगी, और एक बार फिर जो एक बड़ा खतरा प्रदूषण का आया है वो बेहद जल्दी टलेगा। तमाम खबर से रूबरू होने के लिए देखते रहें और बने रहें टीवी 100 के साथ। इसके साथ ही एक और खुशखबरी, टीवी 100 चैनल आपका अब आ चुका है टाटा प्ले के 540 नंबर के साथ। घर बैठ करके खूब आनंद उठाएं और ताजा अपडेट के साथ रूबरू होते रहें।